नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता जा रहा है आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आपकी दिल की धड़कनों को थोड़ा सा कम करने के लिए, आपको थोड़ा सा काम करने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम स्टेनो है जो जिसमें कुल कितने फॉर्म्स भरे गए हैं और हम कंपटीशन कितना रहेगा, एक पोस्ट के लिए कितना क्या कंपटीशन रहेगा, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम बात करते हैं आज स्टेनो में कितना कॉम्पिटिशन रहेगा। कॉम्पिटिशन की बात करें उससे पहले हमें ये समझना है कि पोस्ट कितनी है। तो स्टेनो में टोटल पोस्ट 474 है, सबको पता है टोटल 474 पोस्ट हैं। अच्छा, फॉर्म कितने भरे गए हैं? तो कुल जो फॉर्म्स हैं वो लगभग 1,50,000 के लमसम फॉर्म भरे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपटीशन कितना रहेगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो स्टेनो का एग्ज़ाम है वो अदर एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, अदर एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसको डिफरेंट क्यों कहना है हमें? इसको डिफरेंट इसलिए कहना है क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स में सिर्फ रिटन होता है या फिर प्री मेंस हो जाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग हो जाती है, बट स्टेनो में जो सबसे बड़ी तपस्या है वो है शॉर्ट हैंड की, और शॉर्ट हैंड सीखना हर किसी के बस की नहीं है। इसलिए स्टेनो का एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम से डिफरेंट है। तो कुल फॉर्म 1,50,000 भरे गए हैं, पोस्ट भाई आपके पास 1,474 ही हैं। बच्चे ये देखकर ही डर जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। आज का वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख रखी है, जो प्रॉपरली स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए है। ओके, तो 1,50,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब हम मानकर चलेंगे कि इनमें से 50,000 तो आप ऐसे ही माइनस कर दो, आपको 50,000 तो ऐसे ही माइनस करने हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि 50,000 वो लोग हैं जिन्होंने जब फॉर्म निकला था तो अप्लाई कर दिया था कि यार चलो भर देते हैं, आगे देखेंगे। इनमें से 50,000 वो लोग हैं, गला थोड़ा सा खराब है, प्लीज टॉलरेट कर लेना। इनमें से 50,000 वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म लगा दिया कि यार चलो लगा देते हैं, आगे देखेंगे, मूड बना तो तैयारी कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। अब बचे कितने? 1,00,000। 1,00,000 वो बच्चे हैं जिनको स्टेनो की तैयारी करनी थी लगभग, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। 1,00,000 वो बच्चे हैं जिनको स्टेनो की तैयारी करनी थी। उनमें से भी मानकर चलिए 10-20 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे, 10-20 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कारण से शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ये सोच रहे थे कि रिटन क्लियर हो जाए एक बार मेरा, उसके बाद मैं स्टेनो सीख लूँगा। यानी इनमें से भी 1,00,000 में से भी 10-20 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेनो को टच तक नहीं किया, शॉर्ट हैंड को टच तक नहीं किया। तो आप देखिए, हमारे टाइम पर ये चल सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पर, लास्ट टाइम जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ 2021 में, उस टाइम पर ये चल सकता था क्योंकि उस टाइम पर एक नया रूल नहीं लेकर आया था बोर्ड, 20% एरर वाला रूल नहीं था। तब तो ये चल जाता, तब तो ये था कि यार हमें मतलब 36 यानी 1,000 शब्दों में से हमें तो 360 शब्द सही होने चाहिए, 360 शब्द सही होने चाहिए। तब ये रूल था कि भाई 36% ले आओ, आप शॉर्ट हैंड में सिर्फ 36% ले आओ तो आप पास हो। लेकिन बोर्ड ने इस बार एक नया रूल लागू किया है और ये मैं मानती हूँ कि बहुत सही है। ये इसलिए सही है कि जो बच्चे तीन तीन चार चार साल से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो हाईकोर्ट स्टेनो हो, भले ही वो SSC स्टेनो हो, रेलवे स्टेनो हो, उन बच्चों के लिए फायदा करने के लिए बोर्ड ने ये रूल लागू किया है। और मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल सही है।
तो 20% एरर वाला रूल हमारे टाइम पर नहीं था, हालांकि उस टाइम पर मेरे स्टेनो में 85 नंबर आए थे, यानी मैंने 15% मिस्टेक की थी। तो मैं तो इस रूल के हिसाब से भी क्वालिफाई मैंने कर लिया था, लेकिन मेरे साथ वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्टेड हैं स्टेनो में, और उनके स्टेनो में नंबर हैं 100 में से 60, 100 में से 58, 100 में से 65, 100 में से 70। भाई अगर आज वाले रूल के हिसाब से देखेंगे तो वो तो डिसक्वालीफाई हैं, आज वाले रूल के हिसाब से देखेंगे तो वो डिसक्वालीफाई हैं, डिसक्वालीफाई हैं। तो भाई बात ऐसी है, रिटर्न में आप 200 में से भले ही 200 नंबर ले आओ, रिटर्न में 200 में से 200 नंबर ले आओ, लेकिन शॉर्ट हैंड का जब टेस्ट टेस्ट होगा इसके बाद, रिटर्न के बाद, वहाँ आपको 800 शब्द, 1000 शब्दों का आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, 800 शब्द आपको टाइप सही, वो भी सही टाइप करने ही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पर आकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ऐसे आता है, उनके दिमाग में ऐसे आता है कि यार जो शॉर्ट हैंड स्टेनो का जो एग्ज़ाम है उसको बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही फिल कर दिया, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, कोई पटवारी की कर रहा है, कोई अदर एग्जाम्स, कोई एसएससी वाला है उसने भी लगा दिया। हाँ ये हो सकता है कि अगर वो लोग एग्जाम दे देते हैं तो रिटर्न की मेरिट हाई चली जाएगी। तो मेरा उन लोगों से ये निवेदन भी है कि अगर आपने फॉर्म यूं ही लगा दिया है, आप अगर किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम देकर ना तो अपना समय बर्बाद करें, ना एक पोस्ट को खराब करें, ठीक है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है स्टेनो की, शॉर्ट हैंड की, उन बच्चों के लिए फिर दिक्कत क्रिएट होती है। हाँ अगर आपने मानस बनाया है और आप में ये पोटेंशियल है, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे भी हैं कि यार मैंने सिर्फ स्टेनो में कख गण सीखे हैं लेकिन मैं एग्जाम के बाद कवर कर लूंगा, तो बिल्कुल आपको एग्जाम देना चाहिए, बिल्कुल आपको देना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म लगा दिया, तैयारी वो किसी और चीज़ की कर रहे हैं, तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप एग्ज़ाम ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे आपका टाइम भी ख़राब ना हो और आगे एक पोस्ट भी ख़राब ना हो। तो भाई बात ये है, अब 1,50,000 को हमने ऐसे का ऐसे उड़ा दिया, वो तैयारी नहीं कर रहे। 1 लाख, तो भाई 1 लाख, अगर 1 लाख अगर टोटल हम फॉर्म माने तो 1 लाख के हिसाब से, 1 लाख से के हिसाब से एक पोस्ट के लिए लगभग 216, एक पोस्ट के लिए लगभग 216 बच्चे, एक पोस्ट के लिए लगभग 216 एस्पायरेंट्स होंगे, एक पोस्ट के लिए लगभग 216 एस्पायरेंट्स होंगे, ठीक है। यह आपका कंपटीशन रहने वाला है स्टेनो में, ठीक है। मैं फाइनल कंपटीशन की बात कर रही हूँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन की बात है। यहाँ पर ऑब्वियसली 15 गुना को पास करेंगे, तो 474 का 15 गुना देख लीजिए, 474 का 15 गुना देख लीजिए, तो लगभग 7,010 के आसपास, 474 का अगर हम 15 गुना देखें तो लगभग 7,110, 7,110 के आसपास बच्चों को पास करेंगे। तो ये आपका कंपटीशन रहने वाला है, ये आपका कंपटीशन रहने वाला है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी, तो चलो वो शॉर्ट हैंड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने शॉर्ट हैंड छोड़ी है आज से 1 महीने पहले, आपने 80 पे छोड़ी है, 90 पे छोड़ी है, 100 पे छोड़ी है, 70 पे छोड़ी है, डोंट वरी, आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। मैं तो उन बच्चों को भी अच्छी कंडीशन में मानती हूँ जो अब जिन्होंने 30-40 पर शॉर्ट हैंड छोड़ी है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जिन बच्चों ने सिर्फ सीखा है और 30-40 पर आपने शॉर्ट हैंड को छोड़ा है और अब आप रिटर्न में घुस गए हो, आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद आपके पास 24 आवर्स रहेंगे सिर्फ शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए। और रिटर्न एग्जाम के बाद में ऐसी ऐसी ट्रिक, ऐसी ऐसी टिप्स आपको दूंगी शॉर्ट हैंड को सीखने की, कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कैसे स्पीड इंक्रीज होती है वो आप खुद देखेंगे, वो आप खुद पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने बात की है कंपटीशन की, जो स्टेनो के जो ट्रू एस्पायरेंट्स हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, काम रहिए, पीसफुल
रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, हर सब्जेक्ट का टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, कहीं से भी करो, यूट्यूब से करो, टेस्ट सीरीज, पूरे दिन में हर जगह क्वेश्चन दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट तो आप यूट्यूब पे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखें। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप रिवाइज़ करें, मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा एक बार लास्ट में रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ थ्योरी में अटके पड़े हैं। प्लीज़, जो गलती मैंने फर्स्ट ग्रेड के टाइम पर की थी और मैं 3 नंबर से फेल हो गई थी 2016 वाले फर्स्ट ग्रेड में, वो गलती आप लोग मत करना। मैंने 2-3 बुक्स खरीदी थी उस टाइम पर मॉडल पेपर्स की, 2-3 किताबें ऐसी की ऐसी पढ़ी रही और लास्ट टाइम तक मैं सिर्फ थ्योरी में घुसी रही। आप सोचिए, अगर उस टाइम पे सिर्फ 3 नंबर और आ जाते तो आज मैं एक फर्स्ट ग्रेड टीचर होती ना, कॉलेज स्कूल लेक्चरर होती। तो ठीक है, ये डेस्टिनी है, ये मेरी डेस्टिनी थी। आज भी जहाँ मैं हूँ वहाँ अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ एक रिग्रेट रहता है। तो प्लीज़ आप लास्ट टाइम पर टेस्ट दो, जितना संभव हो सके क्वेश्चन निकालो। वो जो फोबिया है ना एग्जाम वाला फोबिया एकदम चुटकियों में दूर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए। अगर आपने अभी तक भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है किसी की भी, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं स्मृति कोचिंग क्लासेस के, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर। ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स की टेस्ट सीरीज आपको कोड लगाना है स्मृति, स्मृति कोड लगाकर आपको 20% डिस्काउंट लेना है, ठीक है, 20% डिस्काउंट लेना है। विश यू ऑल द वेरी गुड लक। और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई इश्यू हैं, कोई परेशानी है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, वहाँ हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे स्मृति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ वहाँ उसे भी सब्सक्राइब करें। वहाँ अभी हमारी स्टेनो के लिए संजीवनी बूटी क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू सो मच।